दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दुनिया के कई बड़े दार्शनिक, खासकर जो राजनीतिक मामलों के दार्शनिक हैं, अपने देश के भी कुछ प्राचीन काल के ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि कहा गया है उन लोगों द्वारा कि जब राजा, उन दिनों राजा हुआ करते थे, आजकल हमारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो शासन का संचालन करते हैं जनता की तरफ से, तो जब राजा तमाम तरह की चुनौतियों से घिरा होता है, तमाम तरह की ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि वो उनका समाधान नहीं खोज पाता है किसी मुल्क का शासक, तो वो लोगों का ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के कदम उठाता है। और हमने अतीत में भी देखा है, अपने मुल्क में भी, ये तो एंशिएंट इंडिया की बात है या एंशिएंट वर्ल्ड की बात है, पुराने जमाने की बात है, कि ऐसा हम दुनिया भर के जो राजनीतिक दार्शनिकों ने ऐसी बातें कही हैं। लेकिन आज के दुनिया में भी, न सिर्फ भारत में, अमेरिका में भी और रूस में भी, आप दुनिया के जिस मुल्क में भी जाइए, ज्यादातर मुल्कों में यह हालत है कि वहां के शासकों के समक्ष जब बड़े चैलेंजेज होते हैं तो ऑल ऑफ सडन कई बार ऐसा होता है कि वो मूल मसले को एड्रेस करने के बजाय लोगों का ध्यान हटाते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बेहद एक्सपर्ट, काफी सिद्धस्त है। हम कांग्रेस को भी बख्शते नहीं, कांग्रेस पार्टी भी ये काम किया करती थी और जबरदस्त ढंग से किया करती थी। इंदिरा गांधी जी के जमाने को हमने देखा है छात्र के रूप में, और जर्नलिस्ट के तौर पर राजीव गांधी के जमाने को देखा है, नरसिंह राव जी के जमाने को देखा है, हर जमाने में ऐसा होता था। लेकिन मौजूदा सरकार मुझे लगता है कि काफी तेज है, काफी प्रतिभाशाली है इस कला में, इस कौशल में। अब कल हमारा स्वाधीनता दिवस है, 15 अगस्त, एक महान गौरवशाली दिन, 75वां इस बार का है स्वाधीनता दिवस। उसके महज एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही, एक नया मामला उन्होंने उठाया, और वो क्या उन्होंने कहा कि पार्टीशन डे जो 14 अगस्त है माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत का विभाजन दर्ज हुआ था, पाकिस्तान आज ही के दिन को अपना स्वाधीनता दिवस मना लेता है और हम कल मनाते हैं, तो 14 अगस्त को अपने देश में प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस वो मनाएंगे हर साल, यानी देश का आह्वान उन्होंने किया। और देश का प्रधानमंत्री कहता है तो ऑफिशियल पोजीशन होती है, तो ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, यानी विभाजन की विभीषिका को याद करने का दिन। और हम सब जानते हैं कि विभाजन जब हुआ था तो कितनी भयावह हिंसा हुई, कितना विस्थापन हुआ था, निश्चित रूप से हमारे मुल्क पर, क्या पूरे उपमहाद्वीप पर, पाकिस्तान जो जहां है वो भी तो हमारा ही था, हम सब एक ही मुल्क थे, दोनों तरफ के लोगों पर दुख का, पीड़ा का और विषाद का, जैसे लगता है कि कोई पहाड़ टूट पड़ा था। जो लोग इधर के थे, अनेक लोग उधर चले गए, उधर के कई लोग इधर आ गए, तो निश्चित रूप से हमारे दुनिया के इतिहास में अगर देखा जाए तो एक भयानक विस्थापन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसको कोई राजनेता, कोई सरकार याद करे, कोई पार्टी याद करे, उससे ज्यादा हमारे देश के जो बड़े लेखक हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े उपन्यासकार हैं, बड़े कथाकार हैं, उन्होंने याद किया है, और मैं समझता हूं कि वो हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है, इतिहास में न जाने कितने इस विषय पर काम किए गए हैं। और बहुत कोई ऐसा पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में जो इन चीजों को नहीं जानता। लेकिन क्या हम उन दुखों को, उन त्रासदियों को एक स्मृति दिवस के रूप में मनाकर हम उनसे सबक ले सकते हैं? अब किन किन चीजों का हम स्मृति दिवस मनाएंगे? हमने हिंसा, नफरत, विभाजन, ये चीज जो थी पार्टीशन के मूल में थी, नफरत, हिंसा, विभाजन, तो हमारे देश में आजाद होने के बाद और पाकिस्तान भी बनने के बाद उधर भी, उस साइड भी, कितनी नफरत, कितना विभाजन है,
डेवलपमेंट के मोर्चे पर पूरी दुनिया के पैमाने पर ये दोनों देश कहाँ खड़े हैं। ठीक है, हमारी स्थिति उनसे बेहतर है क्योंकि हमारी जीडीपी भी बड़ी है, हमारी पॉपुलेशन भी बड़ी है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ प्लस हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जो इतना सारा आजाद मुल्क में हुआ है दोनों तरफ, उसकी स्मृति का दिवस कितने हम मनाएंगे। 2002 में गुजरात का क्या दंगा हुआ था, कितने हजार लोग मरे थे, कितने सैकड़े लोग मरे थे, इतिहास में यह भी दर्ज है। हम ये भी जानते हैं कि 1984 में कितना भयानक दंगा हुआ था, उसमें क्या हुआ था। हम ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हो या इसके पहले असंख्य माइनॉरिटी कम्युनिटी, हालांकि वहां तो कश्मीर वैली में मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो तो वहां के लोगों पर जो बहुत सारा जुल्म हुआ, उग्रवादी कुछ मुट्ठी भर लोग थे लेकिन मारे कितने गए हजारों की संख्या में, और अनेक निर्दोष बच्चे मारे गए। किन किन चीजों की स्मृति हम में एक दिवस मनाएंगे, भागलपुर का दंगा, और आज जब हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कानपुर में क्या हुआ, बजरंग दल के जिन कथित बजरंगियों ने, मैं नहीं जानता कि उसमें क्या है कौन है, लेकिन जिस तरह के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने के नाम पर और एक बच्ची के सामने उसके पिता को जिस तरह से पीटा घसीटा, क्या समझते हैं ये, क्या नफरत नहीं है, क्या ये समाज में विभाजन नहीं है, क्या ये एक दुख को बार बार उस विषाद को रिपीट करने जैसा नहीं है। हम कैसा समाज चाहते हैं? विभाजन जो हमारे देश का है, पार्टीशन जो हमारे मुल्क का हुआ, वह त्रासदी थी नो डाउट, लेकिन उससे सबक लेने का सबसे शानदार तरीका विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस नहीं हो सकता। उसका सबसे बेहतर सबक तरीका हो सकता है कि अपने मुल्क को खुशहाल बना दें, नफरत को हमेशा के लिए खत्म कर दें, और दिमागों में जो विभाजन है घृणा का, नफरत का, इन चीजों को हम खत्म करते हैं। हम दुनिया के उन खुशहाल देशों की जमात में शामिल हो जाएं जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, रंग के नाम पर नफरत और विभाजन नहीं है, या अगर है तो बहुत मिनिमम है, बहुत न्यूनतम है। हम क्यों नहीं वो सबक लेते। और दूसरी बात, जहां विभाजन की बात है तो पार्टीशन के लिए कौन जिम्मेदार था, बहुत लंबी कहानी मैं नहीं कहूंगा दोस्तों, आज वो वक्त नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को शायद याद करें, उनके सलाहकार इस बात को याद करें कि पार्टीशन में मुस्लिम लीग की जो भूमिका थी, इसकी पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने निंदा की थी, खासकर इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं इस चीज को। 1940 में सबसे पहली बार लाहौर के सेशन में मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग की थी, पार्टीशन यानी एक तरह से पाकिस्तान बनाने की मांग रखी थी, 1940 याद रखी गए तारीख। लेकिन उसके 3 साल पहले 1937 में, और संभवतः अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो जगह अहमदाबाद थी गुजरात, वहां पर वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनकी तस्वीर हमारी संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई है, जिनको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भारत रत्न देने की कोशिश भी की थी, जो सफल नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों से, हो सकता है भविष्य में सफल हो जाए। तो वीडी सावरकर, जो मौजूदा सरकार, मौजूदा सत्ताधारी दल और मौजूदा सरकार के बड़े नेताओं के श्रद्धेय हैं, उन्होंने 1937 में कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, टू नेशन, ये बात वीडी सावरकर ने कही थी। तो मुस्लिम लीग से पहले टू नेशन थ्योरी की जो बुनियाद है, वो मुस्लिम लीग से पहले वीडी सावरकर यानी हिंदू नेता ने रखी, जिसने हिंदुत्व शब्द दिया और जिस व्यक्ति ने हिंदुत्व को थ्योराइज किया, ये उनका काम था, उन्होंने टू नेशन थ्योरी रखी। और माफ कीजिएगा, आरएसएस के अनेक नेताओं ने
उन दिनों के आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उस समय के ग्रंथ जो लिखे गए 40s में 50s में, उसमें क्या लिखा है इन चीजों को लेकर, और खासकर सावरकर की थीसिस को लेकर। पार्टीशन के बाद, जब अपने देश में आजादी के बाद, जब अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो लंबे समय तक आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को भी तैयार नहीं था। ये एक इतिहास का दर्ज सच है, मंजूर नहीं किया था। झंडा तक वो अलग झंडा चाहते। तो कहानी मैं अगर सुनाऊंगा तो बहुत लंबी कहानी बन जाएगी, लेकिन हमारा ये कहना है कि आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो उनका विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आह्वान है 14 अगस्त को, हम दर्द को जानते हैं, हम त्रासदी को जानते हैं, हम सब लोग दुखी रहते हैं, पूरा देश दुखी रहता है कि पार्टीशन क्यों हुआ, लेकिन पार्टीशन के गुनाहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है, उनको भी तो देखिए। बापू की हत्या कैसे हुई थी महात्मा गांधी की, आजाद भारत में हुई थी, और जिस दिन आजाद भारत हुआ उसके पहले अनडिवाइडेड बंगाल में क्या हो रहा था, बापू क्यों दिल्ली में नहीं थे आजादी के दिन, वो बंगाल क्यों गए थे, अनशन पर क्यों बैठे थे, यहां क्या हो रहा था। तो दोस्तों, हमारा बस ये कहना है कि आज जो बड़े चैलेंजेस इस मुल्क के सामने हैं, वो है नफरत जिंदा है अभी भी इस समाज में, इस मुल्क में, विभाजन अभी भी जिंदा है इस मुल्क में, इस समाज में, हमारे अंदर खाई बनी हुई है, और सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं, वर्ण और जाति के नाम पर भी। जाति जनगणना का सवाल उठाओ तो लोग कहते हैं कि ये दलित ओबीसी का फायदा है, कमाल की बात है। नौकरियों में अगर आरक्षण करो तो नफरत से पूरा का पूरा ये समाज भर जाता है, एक मुट्ठी भर समाज, कौन उनके बीच में इंजेक्ट करता है ये विभाजन, ये नफरत। एफर्मेटिव एक्शन एक तरह का आरक्षण तो अमेरिका में भी है, दुनिया के और मुल्कों में भी, क्यों इसी मुल्क में आरक्षण के नाम पर इतनी नफरत, इतनी 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 डिवाइड पैदा की जाती है। आज हमारे चैलेंजेस क्या है, हमारे चैलेंज है महामारी से निपटना। क्या हाल हो गया था वेव टू में, कोरोना की जो वेव टू थी उसमें क्या हालात थे, नदियों का क्या हाल था, श्मशानों का क्या हाल था, अस्पतालों का क्या हाल था। सरकार ने कहा ऑक्सीजन की तो कमी ही नहीं थी, और ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते रहे। ऑन रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं ऑक्सीजन की कोई कमी से कोई नहीं मरा, कमाल की बात है। अगर झूठ भी बोलना है तो ऐसा झूठ क्यों बोला जा रहा है। इसके अलावा हमारे चैलेंजेज हैं हमारी गरीबी, हमारी दरिद्रता, हमारी बेरोजगारी, जो पूरी दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे तेजी के साथ, कुछ जो तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी वाले मुल्क हैं, इस वक्त भारत उसमें शुमार हो चुका है। हमारे पड़ोस के जो कुछ मुल्क हैं आप देख लीजिए, वो अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, छोटे मुल्क होने के बावजूद खुशहाली में। तो दोस्तों, हम ये सब छोटी छोटी बातें आपके साथ करना चाहते थे, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है अपने मुल्क के लिए। आपको याद है जिन लोगों ने कानपुर में उस व्यक्ति को पीटा, उन्हीं जैसे लोगों ने 2003 में उड़ीसा के क्यूंझर जिले में एक 55-57 साल के मिशनरी को, क्रिश्चियन मिशनरी को, जो विदेश से आया था ऑस्ट्रेलिया से, जो काम करता था गरीबों के बीच में, उसको न केवल मारा बल्कि गाड़ी में जला डाला, जलाकर मारा, और दो बच्चे भी जलाकर मार डाले गए। उसमें बजरंग दल के ही किसी दारा सिंह नाम के व्यक्ति का क्या हुआ, उसी को गिरफ्तार किया गया, उसी को सजा हुई, उसी पर मुकदमा बना था, और वही गुनाहगार था। तो दोस्तों, ये जो नफरत का सिलसिला है बहुत लंबा है, बहुत गहरा है, इसको खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। वैमनस्यता को, विभाजन को, विभीषिका को जरूर याद रखना चाहिए, लेकिन इसलिए कि वो फिर कभी उसके अवशेष भी हमारे समाज में फिर ना बचे। लेकिन यहां तो अवशेष क्या, पूरा का पूरा परनाला बह रहा है नफरत का, हमारे अंदर बंटवारे का, विभाजन का,
खाई बनी हुई है वो खत्म करने की जरूरत है। मुझे लगता है इस तरह का आह्वान होना चाहिए था। तो आज दोस्तों बस इतना ही, शेष अगले सप्ताह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।